एंड करंटली आई एम वेरी टायर्ड. लुक एट माई आईज आर आई कैन नॉट ओपन माई आईज. मेरे को खाने के बाद बहुत नींद आती है और मैंने इतना खा लिया कि अब एक तो मेरा ये पूरा एरिया दर्द हो रहा है और ऊपर से मेरी आंखें नहीं खुल रही. वेलकम बैक टू माई चैनल हैशटैग बी ऑसम. और अब हम लोग हैं बी ऑसम TLF और मैं आ चुकी हूँ सेक्टर 22 में. मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हो, लिखा हुआ है शमा बिरयानी, जो कि चंडीगढ़ में ट्राई सिटी में काफ़ी ज़्यादा फेमस है. तो आज मैंने सोचा क्यों ना, मेरे फ्रेंड्स मुझे बताते रहते हैं कि यू नो यू शुड गो एंड ट्राई आउट दिस, ये बहुत अच्छी बिरयानी मिलती है यहाँ पे और चिकन अफगानी चिकन बहुत अच्छा मिलता है. तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस जगह को एक्सप्लोर किया जाए और पता किया जाए कि सच में जो वो लोग कहते हैं ऐसा है कि नहीं है. सो आई एम गोइंग टू ट्राई आउट एंड टेल यू गाइज कि मुझे कैसा लगा. और उससे पहले, पूरी वीडियो देखने से पहले, गो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड डू टेल मी मोर प्लेसेज जहाँ पे जाके हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग टू गो एंड ट्राई आउट देयर बिरयानी. सो गाइज, दिस टाइम अगेन मैं अपनी फेवरेट डिश ट्राई करने वाली हूँ, विच इज़ बिरयानी. आपने पुराने ब्लॉग्स भी देखे होंगे जिसमें हमने बहुत सारे जॉइंट्स ऐसे कवर किए हैं जिनमें यू कैन ट्राई आउट द बेस्ट बिरयानी आउटलेट्स. तो आज हम लोग एक ऐसे ही आउटलेट में आ गए हैं एंड वी आर गोइंग टू ट्राई आउट देयर चिकन बिरयानी और देन वी आर गोइंग टू टेल यू गाइस कि हमें कैसी लगी. सो लेट्स स्टार्ट. सो आप लोग देख सकते हो कि इनके जो चावल हैं दे आर लाइक क्वाइट बड़े बड़े हैं, बासमती चावल की बिरयानी है और टेक्स्चर तो बहुत अच्छा है. इन्होंने साथ में हमें इसकी ग्रेवी एक्स्ट्रा दी है तो देखते हैं. सो ग्रेवी का लिटिल टैंगी टेस्ट है, खट्टा मीठा स्वाद है, स्पाइसी नहीं है, सॉल्ट प्रॉपर है, राइस बहुत अच्छा, राइस पूरा इन्होंने घी में कुक किया है, बहुत ही अच्छी तरह कुक हुआ है. एंड We're going to try out the chicken. So जो चिकन है वो भी अच्छी तरीके से पका हुआ है, राइस के साथ बहुत अच्छा लग रहा है और ग्रेवी मैंने आपको बोला टैंगी टेस्ट है, मतलब इसमें इन्होंने टमाटर की चटनी जो है वो ज़्यादा डाली है. और ये जो चिकन है ये सिर्फ बॉयल किया गया है. थैंक यू. सो गाइस, हमारी दूसरी डिश भी आ चुकी है जो कि यहाँ की बहुत फेमस डिश है, वो हम ट्राई करते हैं. बट ये जो चिकन है ये सिर्फ बॉइल्ड है, इसमें इन्होंने सॉल्ट हल्का हल्का सॉल्ट डाला है और इसमें मसाले ज़्यादा नहीं डाले हैं, मसाले सिर्फ ग्रेवी में डाले हैं. सो अगर आपको ज़्यादा मसाले वाली खानी है तो आपको ग्रेवी ऐड करके खानी होगी, अगर आपको थोड़ी प्लेन खानी है, लेस स्पाइसी खानी है, बहुत कम मसालों के साथ खानी है तो आपको विदाउट आप ग्रेवी ऐड किए हुए खा सकते हो. सो आई गिव दिस डिश 3.8 out of 5. मैं आपको जेन्युइन रिव्यूज़ देती हूँ, पेड रिव्यूज़ नहीं है, सब जेन्युइन है, खा के सब बताती हूँ. बट इनके चावल सच में बहुत अच्छे हैं. आई जस्ट लव देयर राइस. तो साथ में इन्होंने हमें दिए हुए हैं प्याज. प्याज आपके हाथ में के लिए बहुत अच्छा होता है तो प्याज साथ में खा सकते हो, बट मैं नहीं खाने वाली हूँ बिकॉज अभी मेरा मूड नहीं है प्याज खाने का, बट ग्रेवी मैं खा रही हूँ. हमारी दूसरी डिश जो हमने ऑर्डर करी थी वो था हमारा अफगानी चिकन, वो भी आ चुका है और साथ में हमने ऑर्डर करी थी 2 तवा रोटी, तो वो भी आ चुके हैं. सो वो ट्राई करके बताती हूँ, जरा मैं बस इसको ख़त्म कर लूँ. यार फिर आप लोग कमेंट करते हो मैं मोटी हो रही हूँ, मोटी हो रही हूँ, तो फिर होना ही है ना. अब आप लोग फिर कमेंट करते हो दैट आई एम गेनिंग वेट, तो वो तो यार होना बनता ही है, मतलब इतना खाऊं तो यही होगा. सी आई एम डूइंग सो मच फॉर यू गाइस, नाउ यू आल्सो नीड टू शो मी सम लव बाय कमेंटिंग, बाय सब्सक्राइबिंग, बाय शेयरिंग द वीडियो, बाय लाइकिंग द वीडियो. सो नाउ आई विल ट्राई आउट द अफगानी चिकन विद रोटी एंड लेट यू गाइस नो कि हमें कैसा लगा.
सो गाइज नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई आउट देयर चिकन अफगानी और आप देख सकते हो कि कैसे रश भी बढ़ गया है यहाँ पे और ये वाइट कलर का है, मैंने कभी भी नहीं ट्राई किया हुआ, कभी नहीं खाया हुआ अफगानी चिकन. सो लेट्स सी, होपफुली इट्स गोइंग टू बी एज गुड एज द बिरयानी. वन मोर फ्लेवर इतना अच्छे से समझ में नहीं आया, सो आई नीड टू अंडरस्टैंड इट बताने के लिए. सो बेसिकली मुझे 3 बार ट्राई करना पड़ा टू चेक आउट द एग्जैक्ट फ्लेवर. सो सॉल्ट नहीं है इसमें, इन्होंने आई गेस साग और पालक जैसा कुछ डाला हुआ है तो उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, स्पाइसी नहीं है बिल्कुल भी ये. एंड दे हैव एडेड अ लॉट ऑफ बटर, बहुत ज़्यादा बटर ऐड किया हुआ है इन्होंने, आप ये देख सकते हो. और अगेन जो ये पीसीज हैं ये इन्होंने ग्रेवी बनाने के बाद में ऐड करे हैं इसमें, सो ये पीसेज अगेन बॉयल्ड थे, ठीक है, उसको उसके बाद में ग्रेवी में ऐड किया हुआ है. ग्रेवी में बहुत ज़्यादा बटर है, स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है, मिर्ची मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट की मिर्ची है. और इसमें आई थिंक इन्होंने पालक या साग जैसा कुछ ऐड किया है क्योंकि उसका बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आ रहा है. एंड ऑन द होल आई गिव दिस डिश, मुझे समझने में इतना टाइम लग गया, सो आई गिव इट 3.2 out of 5. So my love is the biryani first and then you can try out this. And there are other dishes as well, जैसे कि इनका chicken मिर्च, काली मिर्च के साथ जो chicken है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो वो आप try कर सकते हो और बता सकते हो. और इनके rates बहुत reasonable हैं. So now we will enjoy and understand this taste a little bit more so that कुछ छूटे ना हमसे. घी देख देख के और बटर देख देख के ना मतलब मेरी हालत खस्ता हो रही है कि अब तो गया 3000 kilocalorie अंदर. So we're going to try it out and tell you. Yeah, I am quite right about the flavor. So guys, खा खा के मेरा पेट जो है वो I think बाहर को निकल आया है. My waist size is no more 28, it's 32 right now. And आप देख सकते हो मैंने कितने शिद्दत से सब कुछ ख़त्म किया है. You guys can see. And I'm so damn tired right now. Like मेरे खा खा के मेरे जबड़े में दर्द हो गया है, तो मेरा मुंह भी नहीं हिल रहा है. तो अगर आपको मेरी शिद्दत पसंद आई होगी और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सेक्टर 22 शमा बिरयानी आओ और यहाँ पे आके बाकी चीज़ें ट्राई करो और मुझे भी बताओ. एंड प्रिकॉशंस पूरी ले रहे हैं तो डरने की बात है नहीं है, आप आके खा सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो. और इस वीडियो को और हार्डवर्क को प्लीज़ ज़रूर लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो. और प्लीज़ हाँ मुझे ना थोड़ी जगहें और बताओ कमेंट्स में, क्योंकि अभी मेरे को जगहें पता नहीं लग रही हैं क्योंकि लॉकडाउन है और शहरों में जाना डिफ़िकल्ट है. तो आई एम ट्राइंग कि ट्राई सिटी में और चीज़ें पता लग जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा. तो मुझे प्लीज़ 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 कॉमेंट करके बताओ कि और कहाँ कहाँ पर हम लोग जा सकते हैं. एंड करंटली आई एम वेरी टायर्ड, लुक एट माई आईज, आई कैन नॉट ओपन माई आईज. तो मेरे को खाने के बाद बहुत नींद आती है और मैंने इतना खा लिया है, इतना खा लिया है कि अब एक तो मेरा ये पूरा एरिया दर्द हो रहा है और ऊपर से मेरी आँखें नहीं. I'm going to sleep for a while now. Till then you guys watch other videos of me and also my other channel as well, and follow me on Instagram and do subscribe, don't forget to subscribe and tell me the new places. Thank you.